आज मैं बना रही हूँ बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी जो कि है आलू का पराठा। अभी आलू का पराठा तो सब जानते हैं कैसे बनता है, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जब बहुत जल्दी होती है और हमें आटा गूंदने का और स्टफिंग बनाने का अलग अलग टाइम नहीं होता है, तब ये आलू का पराठा बहुत काम में आता है। मेरे घर में तो ये बहुत यूज़ होता है, क्योंकि सुबह सुबह कभी स्कूल के लिए कभी मेरे शूट के लिए निकलना होता है ना, तो ये परफेक्ट ब्रेकफास्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ये मेरे पास दो बड़े साइज के आलू थे जिसको मैंने उबाल के कद्दूकस कर लिया है। अभी जब भी मैं कोई ऐसी आलू की रेसिपी बनाती हूँ, आलू की टिकिया हो गई या तो फिर कबाब हो गए या पराठा हो गया, तो जब मैं बोलती हूँ बॉइल्ड आलू है तो उसका मतलब ये है कि सिर्फ कुकर में आलू को डाल के दो सीटी लगा के बंद कर दिया है ताकि वो मशी आलू ना हो। अगर ये सारी रेसिपी में आप आलू को 4-5 सिटी होने तक बॉईल कर देंगे तो वो बहुत ही पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत ही मशी बन जाते हैं और फिर संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मुझे आता है कि टिकिया टूट गई या तो फिर आलू का पराठा बहुत पानी पानी हो गया है। तो रीज़न आपका वही है कि आलू ओवर बॉइल्ड हो जाते हैं। अब आलू के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, मेरे पास ये धनिया है, तो ये बाकी की ये सारी सामग्री है ना, जो भी मसाला धनिया प्याज वगैरह वो आप अपने स्वाद के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये मेरे पास कूटा हुआ दरदरा ये धनिया है, जो साबुत धनिया होता है वो है। आलू के पराठे में बहुत ही अच्छा लगता है दरदरा वाला कूटा हुआ धनिया, साबुत वाला। और ये अजवाइन है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। ये धनिया और अजवाइन मैंने 1/4 टीस्पून जितना लिया हुआ है। और ये मेरे पास प्याज है, ये स्प्रिंग अनियन है जिसको बारीक बारीक काट लिया है। आपको नहीं अच्छा लगता आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब ये मेरे पास सूखे मसाले हैं, यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून मिर्ची का पाउडर, और ये मेरे पास 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर है। हल्की सी माइल्ड सी खटास आती है ना, तो वो बड़ा मज़ा आता है आलू के पराठे में। तो ये सारे मसाले गए। और अब हम ऐड करेंगे नमक। आप चाहो तो जीरा भी ऐड कर सकते हो, अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है जो आपको पसंद हो। अब आपको लगेगा कि ये कितना सारा नमक ऐड कर दिया, पर रुकिए अभी मैं बताती हूँ, ये इतना सारा नमक नहीं है। अब ये जो सारा सामान है ये तो हमने मिक्स कर लिया है एग्जैक्टली स्टफिंग के जैसा, और ये मेरे पास नॉर्मल जो हम आटा यूज़ करते हैं चपाती के लिए वो वाला आटा है। ये आटा भी मैं आलू में ही मिक्स कर रही हूँ। तो अभी ये तो मेरे पास फुल 1 कप आटा है, पर अभी मैं 1/2 कप जितना ही उससे भी थोड़ा सा कम आटा इसमें ऐड करूँगी। और अब सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। जस्ट मेक श्योर कि पानी ना यूज़ करें, बस उतने जो आलू है उसके मॉइस्चर में ही हम आटा बना लें। मैं आपको एक टिप देती हूँ, अगर इन केस आपके आलू अगर बहुत मशी मशी हो गए या मॉइस्चर पकड़ लिया है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आलू को थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे ना, तो वापस से वो थोड़े से सॉलिड हो जाएंगे और फिर वो कम आटा या मैदा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे। अब ये देखिए, अब ये जितना आलू हमने लिया था उसमें 1/2 कप से भी कम आटा मैंने ऐड किया है, और ये देखिए बहुत ही अच्छा आटा बन चुका है। और ये बहुत क्विक है कि ये आटा बना के आपको रखने की भी ज़रूरत नहीं है, तुरंत के तुरंत ही हम इसके पराठे बेल सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा आटा बन चुका है। अब मैं तुरंत ही तुरंत इसके पेड़े भी काट लेती हूँ। पेड़े भी काट लिए हैं मैंने, अब फटाफट से बेल के पराठे बनाते हैं। अब ये एक पेड़े को ले के मैं थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेती हूँ ताकि बिल्कुल ही फटने का चांस ना रहे। और इसकी जो किनारे हैं वो एक बार मैं ऐसे बंद कर लूँगी ताकि बिल्कुल ही फटे नहीं हमारा पराठा। और ये देखिए बहुत ही आसानी से आप बेल भी पाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि ये चिपकता रहेगा।
और बस ये गरम तवे पे सेकने के लिए डाल देते हैं। अब इसको हम पलट लेंगे, बस दोनों तरफ से हल्का हल्का सा सिक जाए, उसके बाद तेल, घी, बटर, जो भी आपकी मर्जी हो आप डाल के उसको सेक सकते हैं। अब मैं तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ही तेल ऐड करके ये पराठा सेक लेती हूँ। आपको पता है ये वाला पराठा आज तो मैं आलू से बना रही हूँ, पर कभी कभी ये वाला पराठा ना मैं स्वीट पोटैटो, जो शकरकंदी बोलते हैं ना, उससे भी बनाती हूँ। शकरकंदी बहुत ही हेल्दी होती है, स्पेशली जो हेल्थ कॉन्शियस है, वो जो वेट अपना थोड़ा सा ठीक रखना चाहते हैं, तो ये आलू की जगह पे आप शकरकंदी भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा फाइबर होता है। ये देखिए फर्स्ट क्लास फटाफट बनने वाला पराठा तो रेडी है, ऐसे ही दूसरे बना देती हूँ। ये लीजिए गर्मा गर्म फटाफट से बनने वाले आलू के पराठे तो रेडी है। कितना अमेजिंग है ना, वो आटा बनाने की और स्टफिंग बनाने की कोई झंझट ही नहीं, सब एक में डाला और देखिए रेडी। तो ये मैं सर्विंग प्लेट पे ले लेती हूँ। अभी ये आपकी मर्जी है कि आप इसको किसके साथ खाना पसंद करते हैं, अचार के साथ, चटनी के साथ, दही के साथ, या तो फिर मेरी तरह चाय के साथ। मैं ब्रेकफास्ट में ये बहुत प्रिफर करती हूँ और बहुत अमेजिंग लगता है। ये लीजिए फटाफट से बनने वाला आलू का पराठा, सॉफ्ट पराठे बने हैं। मॉर्निंग सेट है।